नाउ वी हैव टू डिस्कस सबसेट, अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। फटाफट इसको पहले देख लेते हैं, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, है ना। तो कैपिटल आर के सबसेट के बारे में डिस्कस करना है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस सेट ऑफ रियल नंबर आर नेचुरल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको जेड प्लस भी बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देन we have discussed whole numbers, then integers, then we have discussed rational numbers, then we have discussed irrational numbers, and last mein aayega aapka real numbers. So here we can say all natural numbers are the subset of whole numbers, hai na. All whole numbers are subset of integers, all integers are subset of rational numbers, and all rational numbers are subset of real numbers. Same way, all irrational numbers are the subset of real number. सारे natural number whole number होंगे, सारे whole number integer होंगे, सारे integer rational number होंगे, सारे rational number real number होंगे. Done. और सारे irrational number भी real number होंगे. So these are the subset of real numbers. Natural number, whole number, integer, rational number and irrational numbers are the subset of set of real number. ये या आपको याद रखना था. Clear friends? अभी इसके बाद हम discuss करेंगे इंटरवल्स, है ना। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और टॉपिक इज इंटरवल्स, ये आपके लिए कुछ नया है। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। इंटरवल्स क्या होता है देखो। So here we have to discuss interval as a subset of real number. So what is real number? So for real number we have discussed that one number line is there. If we consider one number line, hana, which goes in right direction up to plus infinite and goes in left direction up to minus infinite. So this number line consists of infinite number of points. Hana, number line ki baat kare to number line ye side bhi infinite ja rahi hai, ye side bhi infinite ja rahi hai. और नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। सो ईच पॉइंट विल रिप्रेजेंट वन रियल नंबर। सो वी कैन से ईच रियल नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट ऑफ लाइन, है ना। जो भी रियल नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर ये पॉइंट के ऊपर जितने भी पॉइंट है उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। डन। एंड हेंस वी कैन से दिस रियल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। Hence, we cannot represent this real number in form of roster form or tabular form. This form roster form या फिर tabular form में represent नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर इसका list बनाएंगे set of all real numbers तो ये सारे point आएंगे, वो सारे point का list कैसे बनाएंगे, है ना। तो that is real number. Real number is infinite. हमें discuss करना है कि जो intervals होते हैं, the intervals are the subset of real number. So what is interval? So for interval, suppose this number line is there, है ना। यहां से मैं फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज दिस इज वन नंबर लाइन, दिस इज 1.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस वन इज -1, -2। डन। दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अ पार्ट ऑफ दिस रियल नंबर। इसका पार्ट मतलब सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर के लिए सपोज मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, इतना पार्ट, है ना। मैंने एक नंबर लाइन का पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट, है ना। सपोज मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन मीन्स इट्स अ रियल नंबर। सो पार्ट ऑफ रियल नंबर इज नथिंग बट वन इंटरवल। कैसे करना है देखो। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हियर यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। ये सारे एलिमेंट को हमने एक्स बोल दिया, वो कहां पर है, रियल नंबर है। और कौन से, तो इट्स अ 1 <x> 4, 1 और 4 के बीच में जो भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट वो हमारे रियल नंबर ये सेट में हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर ये जो मैंने किया है ना, ये राउंड सर्कल, इसको हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे इसको हम,
नोड, नोड मतलब ये वन एंड जो फोर है उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको हमारे जो सेट है उसके अंदर हम है ना शामिल नहीं कर रहे, इसको बोलेंगे एक्सक्लूजन। क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मीन्स उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, इसको हम एंटर इसके सेट के अंदर नहीं ले रहे हैं। तो ऑल दी एक्स वेयर कंडीशन इज वन लेस देन एक्स लेस देन फोर, एक्स हमारा वन से बड़ा होना चाहिए, फोर से छोटा होना चाहिए, डन। तो इसको हम लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? इंटरवल। तो सपोज ये पार्ट आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये पार्ट को आप इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखो लेस देन के साइन है और वन को इंक्लूड नहीं किया, वन पर यहाँ पर नोड है तो नोड के लिए यूज करेंगे हम ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट। तो सर्कुलर ब्रैकेट वन एंड फोर, इसको बोलेंगे ओपन ब्रैकेट। क्या बोलेंगे हम? ओपन इंटरवल ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल आ गया। ओपन इंटरवल मीन्स वन को इंक्लूड नहीं किया है, फोर को इंक्लूड नहीं किया है, डन, बिकॉज यहां पर लेस देन साइन थी, क्लियर। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल था, ओपन इंटरवल। सपोज है ना चारों चार केस देख ले, उसके बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सपोज एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं, दिस इज अवर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और सारे रियल नंबर में से इसके सिर्फ पार्ट कंसिडर करना है, दैट मीन्स यू टू कंसिडर वन सबसेट ऑफ रियल नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, यहाँ पर माइनस वन माइनस टू। सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने नोड किया था है ना, सर्कल किया था, अभी मैं वन पर ऐसे ऐसे डॉट कर रहा हूँ, इसको क्या करेंगे हम? डॉट, डॉट बोला इसको मैंने, डॉट है ना, डॉट डॉट। डॉट का मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है इंक्लूजन। क्या होता है? इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब वन को भी कंसिडर कर रहे हैं, फोर को भी कंसिडर कर रहे हैं, और वन और फोर के बीच में जो भी नंबर है वो सारे नंबर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, डन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम ऑल द एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, नंबर लाइन पर है, और कौन से एक्स? वन से लेके फोर तक, वन को भी इंक्लूड करना है, फोर को भी इंक्लूड करना है। इट्स अ वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर। देखो वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, वन को भी इंक्लूड करना है, फोर को भी इंक्लूड करना है, डन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटरवल से, है ना। इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में? क्लोज इंटरवल, वन को भी ले लिया और फोर को भी ले लिया, इट्स अ क्लोज इंटरवल वन टू फोर, क्लोज इंटरवल वन टू फोर, डन। यहां पर क्या, यहां पर क्या था? ये ऐसे स्क्वेयर था, स्क्वेयर ब्रैकेट था, सॉरी एक सर्कुलर ब्रैकेट था यहाँ पर, सर्कुलर ब्रैकेट मीन्स ये ओपन था, वन को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, फोर को भी इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर साइन थी लेस देन, है ना, इक्वल टू नहीं था, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू था, दैट मीन्स दोनों एंड पॉइंट को, है ना, इसको हम बोलेंगे एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट को हमारे इंटरवल में इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे? डॉट लगाएंगे। क्या करेंगे? डॉट लगाएंगे। डॉट के लिए लेस देन और इक्वल टू साइन आएगी और जो ब्रैकेट आएगा वो स्क्वेयर ब्रैकेट आएगा, अंडरस्टूड। इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको? क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल वन टू फोर, क्लोज इंटरवल वन टू फोर, है ना। ये जो सर्कुलर ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट वो आएगा एक्सक्लूजन के लिए, इसके लिए आएगा एक्सक्लूजन के लिए, एक्सक्लूजन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे नोड से, और ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट आएगा, स्क्वेयर ब्रैकेट है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा इंक्लूजन को, इंक्लूजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, डॉट से, और जो ब्रैकेट आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, अंडरस्टूड नाउ। और दो केसेस होते हैं, है ना, ये फर्स्ट केस हो गया, ये हमारा दूसरा केस हो गया, एक तीसरा केस ऐसे भी होता है ना। सपोज ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू इनफाइनाइट, और ये माइनस वन अप टू इनफाइनाइट, है ना। अभी सपोज हमें लेना है ऐसे एक, सपोज ऐसे दे दिया कि x सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट x वेयर x बिलोंग्स टू r, है ना, रियल नंबर, नंबर लाइन पर है, और x हमारा ऐसे दिया हुआ है वन लेस देन और इक्वल टू x लेस देन फोर। चलो वन लेस देन और इक्वल टू x लेस देन फोर, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ लेस देन और इक्वल टू वन, लेस देन और इक्वल टू की साइन है, दैट मीन्स वन को इंक्लूड करना है, तो वन पर क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर सिर्फ लेस देन की साइन है, दैट मीन्स फोर हमारा ओपन एंड है, तो वहां पर क्या आएगा? नोड आएगा, और फोर को इंक्लूड नहीं करना है, तो वहां पर हमारा ब्रैकेट आएगा, ओपन से ब्रैकेट आएगा, सर्कुलर ब्रैकेट आएगा,
ना, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो वन को इंक्लूड करना है, तो वन पर क्या आएगा डॉट, फोर को क्या करना है एक्सक्लूड करना है, तो फोर पर क्या आएगा सर्कल, और सारे एलिमेंट लेने हैं बीच के, वे सारे आ गए, तो यहाँ पर डॉट आएगा, यहाँ पर नोड आएगा, डन। वन को इंक्लूड किया है, फोर को एक्सक्लूड किया है, और इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पर नोड है ना, नोड सॉरी यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ पर स्क्वेयर ब्रैकेट आएगा ऐसे, वन वन को इंक्लूड किया, यहाँ पर नोड है, फोर को एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पर फोर का ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट आएगा। क्लियर फ्रेंड्स, दिस इज थर्ड केस, दिस इज नोन एज इंटरवल, ओपन इंटरवल इन विच वन इज इंक्लूडेड एंड फोर इज एक्सक्लूडेड, डन। एक चौथा केस भी कंसिडर कर लो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। सो हियर फोर्थ केस इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर वन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू फोर। देखो अभी यहां पर क्या किया मैंने, हियर वन लेस देन एक्स, वन को मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेस देन इक्वल टू फोर, फोर को इंक्लूड किया, तो वन पर क्या आएगा, वन पर नोड आएगा, फोर पर क्या आएगा डॉट आएगा, वन को इंक्लूड नहीं करना है, फोर को इंक्लूड करना है, तो वन पर कौन सा ब्रैकेट आएगा सर्कुलर ब्रैकेट आएगा, फोर पर कौन सा ब्रैकेट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इज दैट क्लियर नाउ? तो नंबर लाइन, नंबर लाइन दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये इन्फाइनाइट तक, ये माइनस वन, ये इन्फाइनाइट तक, है ना। वन वन लेस देन, वन लेस देन एक्स, तो वन पर क्या आएगा नोड, फोर पर लेस देन इक्वल टू फोर, तो फोर को इंक्लूड करना है, तो फोर पर क्या आएगा डॉट, और बीच के सारे पॉइंट आपको लेने हैं, तो ये आ गया डन। तो अभी इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो वन को इंक्लूड नहीं कर रहे, है ना, वन इज एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट आएगा, वन ओपन ब्रैकेट, फोर को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर डॉट है डॉट, तो फोर के साथ क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट द इंटरवल, इसको हम क्या बोलेंगे इंटरवल, एंड दिस इंटरवल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। कौन से रियल नंबर? ये सारे रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं ना, वो सारे पॉइंट एक रियल नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, डन। सो पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। So question number six, write the following as an interval, interval के form में लिखना है। So here we are given x where x belongs to R and we are given that minus 4 less than x less than equal to 6, done। तो इसको interval के form में लिखना है, पहले सारे question लिख देते हैं, ये first, इसके बाद सेकंड, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर -12 लेस देन एक्स लेस देन -12, थर्ड वन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 7, एंड फोर्थ वन x where x belongs to R and 3 less than or equal to x less than or equal to 4। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू राइट द सेट, वी हैव टू राइट द इंटरवल इन सेट बिटल फॉर्म, है ना, राइट इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, यहां पर आपको इंटरवल लिखना है, यहां पर इंटरवल गिवन है, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वन, फर्स्ट इंटरवल इज -3, 0, सेकेंड वन इज 6 to 12, थर्ड वन इज 6 to 12, है ना। इसको रीड करेंगे ओपन इंटरवल, 6 included, 12, 6 excluded, 12 included. Fourth one, open interval, -23 to 5, 20, -23 included, 5 excluded. Done? The interval को हम set builder form में लिखेंगे। चलो। So first one,
here we are given that x where x belongs to r and minus 4 less than x less than equal to 6. तो आपको ये साइन पर फोकस करना है. इट्स अ माइनस लेस देन माइनस 4 लेस देन x. सो माइनस 4 लेस देन मतलब एक्सक्लूजन है ना. लेस देन और इक्वल टू होगा तो इंक्लूजन होगा, सिर्फ लेस देन होगा तो एक्सक्लूजन. तो माइनस 4 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, इंक्लूड नहीं करना है. तो क्या करना है, ओपन रखना है, ओपन इंटरवल. नाउ लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6. लेस देन और इक्वल टू मींस 6 को इंक्लूड करना है. इंक्लूड करना है मींस वहां पर क्या आएगा, डॉट आएगा, और डॉट के लिए आपको करना है स्क्वायर ब्रैकेट. डन. तो ये हो गया आपका इंटरवल फर्स्ट, क्लियर. नाउ सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, माइनस 12 लेस देन एक्स लेस देन माइनस 10. तो देखो यहां पर भी लेस देन है, यहां पर भी लेस देन है, तो इसको भी एक्सक्लूड करना है, इसको भी एक्सक्लूड करना है. दोनों पॉइंट पर हमारा नोड रहेगा. तो ये हो गया ओपन इंटरवल माइनस 12 टू माइनस 10. अंडरस्टूड. नाउ हियर 0 लेस देन और इक्वल टू x, तो एक क्लोज इंटरवल आ गया 0, और 7 ओनली लेस देन इज देयर, सो ओपन. नाउ हियर 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, तो 3 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है, तो आएगा क्लोज इंटरवल 3 टू 4. डन. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 6, है ना. सेट बिल्डर फॉर्म था, यहां पर हमने इंटरवल लिखा. नाउ हियर इंटरवल इज गिवन, वी हैव टू राइट दी सेट बिल्डर फॉर्म. चलो सिंपल क्या होगा, ये x है ना, ऐसे लिखना है x वेयर x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, और यहां पर देखो है ना सर्कुलर ब्रैकेट है. सर्कुलर ब्रैकेट मतलब माइनस 3 और 0, दोनों जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, उसको काउंट नहीं करना है. सो माइनस 3 ओपन ब्रैकेट के लिए लेस देन x लेस देन 0. सिंपल ओपन इंटरवल था तो हमने किया लेस देन लेस देन. यहां पर देखो क्लोज इंटरवल है तो लेस देन और इक्वल टू आएगा. सो दिस इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू r, और 6 है, सो 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12. क्लोज इंटरवल था, क्लोज इंटरवल, तो हमने लगाया लेस देन और इक्वल टू दोनों की साइन. देखो यहां पर अभी ओपन इंटरवल है, यहां पर क्लोज इंटरवल है, तो इसको कैसे लिखेंगे. सो दिस इज इक्वल टू x where x belongs to r, ये ओपन है, so it's a 6 less than x, ओपन इंटरवल तो लेस देन, यहां पर क्लोज है, so less than or equal to 12. डन. इसका x where x belongs to r, स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल, so it's a minus 23 less than equal to x less than 5. डन. सो दिस इज अ सिंपल concept of interval. So pause this video and note it down.